कांग्रेस ने आज से अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है लखनऊ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी शुरुआत की है और इसी कड़ी में आज पार्टी की सदस्यता ली है बॉलीवुड अदाकारा अर्चना गौतम जी ने। मूल रूप से मेरठ से आती हैं यानी उत्तर प्रदेश से। अर्चना जी ये बताइए कि मेरठ से आते हैं लेकिन जुड़े हुए हैं बॉलीवुड से और साउथ की इंडस्ट्री से भी, क्या वजह रही कि राजनीति में इतनी जल्दी स्विच? हाँ, क्योंकि मेरी एज जैसे कि बताया कि 26 साल है और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि जितना जल्दी आपको क्या करना है, आपको जनता की सेवा करनी है तो जितना जल्दी ही आप एंटर होगे उतना चीज़ें आप सीख सकोगे। तो मैं सीख रही हूँ, मैं प्रियंका दीदी से सीख रही हूँ, मैं राहुल जी से सीख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप किसी चीज़ में एंटर करेंगे उतना ही चीज़ें आपके लिए बेटर होगी और आप जनता का दिल भी जीत सकते हो। तो बस मेरा अभी यही है कि मुझे अभी जनता का दिल जीतना है। कांग्रेस क्यों? जी कांग्रेस इसलिए क्योंकि मेरी जो इंस्पायर रही है स्टार्टिंग से वो प्रियंका दीदी बहुत रही है। मैं उनको बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ और उनकी जो एक लाइन है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस लाइन ने जो मुझे प्रभावित किया है कांग्रेस में आने के लिए, तो आई थिंक उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो बस मुझे उनकी लाइन ने ही प्रभावित किया है जिससे मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। बहुत जल्दी बॉलीवुड का या साउथ का जो भी फिल्म इंडस्ट्री का करियर है जी, बहुत जल्दी छोड़कर इधर आ रहे हैं। लगता नहीं है कि वहाँ और समय देना चाहिए था, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्मी दुनिया से इस तरफ आए लेकिन एक लंबे अरसे के बाद। जी हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा था कि 35 की बात करूँगी तो फिर मुझे ऐसा लगता कि यार 35 के बाद तो बूढ़े हो जाएंगे ना, तब कौन पूछेगा। और इस टाइम क्या होता है कि यूथ का बहुत क्रेज़ चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ बन के ही मुझे लोगों का दिल जीतना है। और रही बात इन्होंने बोला कि मैंने छोड़ा है, मैंने अपना एक्टिंग लाइन नहीं छोड़ा है, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँगी बट मैं ऐसा नहीं बनूँगी कि मैं सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करूँगी, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरी जनता है, मेरी पार्टी है, बाद में वो मुंबई की लाइफ एंड चेन्नई। राजनीति से पहले का कोई कनेक्शन आपका या परिवार? नहीं, हाँ राजनीति से मेरे जो दादा हैं, जैसे मैंने बताया मेरे दादा नेता थे इंदिरा गांधी के ज़माने के, तो वो साथ में ही जेल में गए थे, रायबरेली जेल में साथ में ही थे, उनको उनका मर्डर कर दिया गया था जहर दे के। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे दादाजी स्टार्टिंग से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा करने के लिए मैं कांग्रेस ज्वाइन की हूँ। 2017 का एक केस था जब आपकी किडनैपिंग हो गई थी, क्या हुआ था पूरा मामला जानना चाहेंगे? हाँ, उसमें ये हुआ था कि कुछ सावधान के जो एक्टर थे वो लोग नकली CBI बनके, क्योंकि मुंबई में आप लोगों को पता है कि पैसा लूटने के लिए उनको पता है कि भाई लड़कियों के पास पैसा बहुत होता है या एक्टरों के पास पैसा बहुत होता है, तो वो पैसा लूटने के लिए उन्होंने नकली CBI बने और नकली CBI बनने के बाद उन्होंने मुझे किडनैप किया। और मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत छोटी थी, मुझे CBI क्या होता है, ये क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बाद में जब उनके साथ मैं बैठी गाड़ी में, उन्होंने गाड़ी में मुझे किडनैप किया था, तब मुझे पता चला कि वो लोग किडनैपर हैं। बट मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मुझे क्या पता कि उनके पास चाकू है या फिर बेहोशी की दवा है। बट मैंने फिर भी उस चीज़ को हैंडल किया और उनको पुलिस के हवाले किया और फिर मुंबई पुलिस ने बाद में कार्रवाई की। उसमें लगा था 7 दिन लगे थे, तो बाद में पता चला था वो लोग किडनैपर हैं, उनका काम ही यही है। और वो लोग कितने टाइम से लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लड़कियों को ऐसी किडनैप करके उनसे पैसा वसूली करते हैं। तो तब मुंबई पुलिस ने मेरे लिए क्लैप किया था, तालियां बजाई थी। कई बार जब फिल्म इंडस्ट्री से लोग राजनीति में आते हैं, स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो विपक्षी दल की बात करें या दूसरे लोग, कई बार उनको ट्रोल करने लगते हैं, चाहे उनके फोटोग्राफ्स को लेकर, बोल्ड फोटोग्राफ्स या तमाम वजह से। क्या लगता है इस तरह की चुनौती आपके सामने भी आ सकती है? नहीं, अगर मेरी फ़ोटो भी करेंगे तो हाँ, आई एम अ मिस बिकनी इंडिया 2014, आई एम अ मिस बिकनी 2004, मिस बिकनी 2018 एंड मिस यूपी 2014 एंड आई एम अ मिस कोस्मो वर्ल्ड। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी पेजेंट अगर आप जीतते हैं तो बिकनी पहनना कंपलसरी होता है। तो अगर वो लोग मेरी बिकनी फ़ोटो और राजनीति की फ़ोटो को सामने लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा मंदाकिनी ने भी कुछ ओपन किया था और बहुत सारी टोंट हुआ था बट उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, आज भी उनका नाम सबसे ऊपर है। कंगना रनौत काफ़ी चर्चा में रहती हैं फिल्मी दुनिया में आने के बाद अपने बयानों की वजह से भी, तो क्या ऐसी पब्लिसिटी के लिए आप भी कुछ सोचते हैं कि कैसे जल्दी पब्लिसिटी? नहीं, पहली बात तो मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं आई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दादा राजनीति में थे, अगर मेरे दादा राजनीति में ना होते या कांग्रेस में ना होते तब तो आप बोल सकते थे, बट मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं आई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं फिल्में कर रही हूँ, मेरी फिल्में रिलीजिंग पे है, नेक्स्ट मंथ मेरी फिल्में रिलीज़ हैं, 3 फिल्में रिलीज़ हैं साउथ की, तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिसिटी मुझे ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए नहीं चाहिए। बट मेरे दादा
राजनीति में थे, मेरे दादा थे, तो मैं आई हूँ। आखिरी सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और आप मेरठ से रहने वाले, वहीं से या कहीं और से या जहाँ से मौका? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेरठ में काफ़ी फेमस हूँ, तो मैं मेरठ नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरठ के आसपास की जगह से मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी अर्चना गौतम, जिन्होंने हर सवाल का बड़ी सादगी सवाल दिया। उन्होंने साफ कहा कि आगे वो चुनाव लड़ना भी चाहती हैं और अपने करियर को इसलिए छोटा क्योंकि वो राजनीति में आगे अपना भविष्य देखती हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।